कोरोना महामारी को लेकर 14 अप्रैल तक देश लॉकडाउन होने के साथ ही देश के कई राज्यों में काम कर रहे बिहारियों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं, जिसमें ज्यादातर मजदूर हैं, जिन्हें रहने खाने पीने जैसी प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। बिहार सरकार भले ही लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही हो, किंतु इसके बावजूद बहुत जगहों पर लोगों को मदद नहीं मिल पा रहा है और कुछ मजदूर तो वीडियो भेजकर मदद की गुहार भी लगा रहे हैं, जिसमें कई मजदूर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले की भी हैं, जिन्हें भारी दिक्कत हो रही है। वहीं कुछ मजदूरों ने दिल्ली में अलग अलग जगहों से पहुंचे लोगों की जो वीडियो भेजी है उसमें बहुत बड़ी भीड़ देखी जा रही है और महामारी को देखते हुए भीड़ को मदद पहुंचाने और उसे अलग करने के लिए प्रशासन एवं राज्य सरकार को हर संभव कार्य करने की जरूरत है, किंतु अभी तक दिल्ली में फंसे अधिकांश मजदूरों को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण मजदूर काफी परेशान है। हम बिहार के रहने वाले हैं। कौन सा जिला है आपका? जिला पूर्णिया। पूर्णिया जिला है। कितना दिन से फंसे हुए आप लोग यहाँ पर? अभी एक हफ्ते से फंसे हुए, 7 दिन से। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 5 आदमी हैं और हम माननीय नीतीश कुमार जी से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को चाहे तो खाने की सुविधा दे दो या फिर हम लोग को ट्रेन खोल दो तो हम लोग गाँव जा सके। अच्छा, और अभी तक कोई सरकारी आदमी आप लोगों को कुछ दिया है खाने पीने के लिए? हमको सरकारी आदमी अभी तक कुछ नहीं दिया खाने पीने के लिए, कुछ भी नहीं। और पुलिस आता है दरवाजा लॉक करके बाहर से चले जाता है कि रूम पे रहो, खाने के लिए कुछ नहीं, ना राशन है ना कुछ है। काम भी नहीं चल रहा है, पानी तक भी नहीं है और काम भी नहीं चलता है। काम भी नहीं चलता है ना? भी नहीं चलता है। तो आप लोग कल परसों से कुछ नहीं खाए हैं? कल परसों से हम लोग नहीं, एक हफ्ते से अभी पानी पी के है। अच्छा। बिहार के रहने वाले हैं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का गांव बागढर और यहाँ गोवा फोंडा नागजिरी में रहते हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, जो सरकार जो इस ये बंद किया है, ना ही काम हो पा रहा है। मजदूर आदमी अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और 2-3 दिन से भी वैसे भूखे हैं। हम लोग को कोई पूछने वाला भी नहीं है। हाँ, बहुत मुसीबत झेल रहा है सब भाई, बहुत परेशानी है, खाने पीने का भी इतना दिक्कत है, क्या करेंगे हम लोग। हाँ, सरकार को तो मज़े आ रहा है, हम लोग को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है और हमारा कोई सुनता भी नहीं है। यहाँ तक कि बाहर भी जाते हैं कुछ लेने के लिए तो पुलिस वाले मार के भगा देते हैं। हाँ, भूखे हम लोग घर में कब तक पड़े रहेंगे? हम लोग को इतना परेशानी हो रहा, ना ही साधन है जाने का और ना ही आने का। इसमें बहुत सारा परेशानी, बहुत सारे भाई के पास भी खाना पीना नहीं है, ना ही किसी के पास पैसे है। मजदूर आदमी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पूर्णिया जिला के मतलब 250 आदमी फंसा है राजस्थान में। 500 हम लोग को ले जाने के लिए कोई व्यवस्था बनाओ, यहाँ बेघर हैं हम लोग, जंगल में पड़े हैं, बालू बालू नजर आता है, पानी का भी साधन नहीं है कि पिए। इधर इधर घुमा करके दिखाओ, सब जंगल अंगल आएगा। खर्ची भी नहीं डालता है और कंपनी वाले खर्ची भी नहीं डालता है, क्या खाएंगे क्या खाएंगे। माँ विद्या निकेतन स्कूल, चुनापुर रोड, रहमत नगर, पूर्णिया, वर्ग नर्सरी से 10वीं तक, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक उत्कृष्ट स्कूल। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आज ही दाखिला लें। हमारा पता है माँ विद्या निकेतन स्कूल, चुनापुर रोड, रहमत नगर, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9534297548। पेट्रो स्त्री शिशु पात एवं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीबा भारद्वाज, पूर्णिया शहर की सेवा में 20 वर्षों से होम्योपैथिक को समर्पित डॉक्टर नीमा भारद्वाज। बाहर से आए रोगियों के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था, आज ही पधारे डॉक्टर नीमा भारद्वाज, राय बहादुर मेमोरियल होम्योपैथिक नर्सिंग होम, डोहरी मोटर्स के सामने, पक्की तालाब, पूर्णिया। कान के कटे एवं बड़े छिद्र को नई तकनीक दवा से करे बंद, बिना टाके के, बिना दर्द के परमानेंट बंद। रचना एस्पा ब्यूटी पार्लर में, जी हाँ, रचना एस्पा ब्यूटी पार्लर में आप करवा सकते हैं। यहाँ पर ब्लीच, मसाज, हेयर कटिंग के साथ दुल्हन को सजने सवरने की संपूर्ण व्यवस्था, तो आज ही एक बार अवश्य पधारें। रचना एस्पा ब्यूटी पार्लर, शेरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, रंगभूमि मैदान के सामने, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 7979050221।